हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रियाबीमारू और आजा दोनों के बीच में भयंकर फाइट चल रही थी, जिसके बीच में टोमा आ जाता है और टोमा की बॉडी में जो ओजा के टेंटिकल्स थे वो पार कर जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाबीमारू उन पर अटैक करने जा रहा था, तभी तक मेई पीछे से चिल्लाती है कि नो गाबीमारू रुको। सो अब आगे मारू ओजा और टोमा की तरफ बढ़ रहा था अपनी होलो फाइल लेकर, तभी तक पीछे से मेई अपना जो ताव था उसको एक्टिवेट करती है और अटैक करते हुए पूरी तरीके से अटैक करती है। अब इतना भयंकर ताव मेई की बॉडी से रिलीज हुआ था कि जिसे देख करके तामिया और सारे लोगों की धड़कने रुक चुकी थी, पूरी जगह ब्लास्ट कर चुकी थी और मानो कोई अर्थक्वेक आया हो एकदम हाई लेवल का, उसी तरीके से सारा कुछ ब्लास्ट हो जाता है। लगता है कि इस अर्थक्वेक की वजह से, इस ब्लास्ट की वजह से नीचे गिरने वाला है और उसकी होलो फायर डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसी की वजह से उस ज़मीन के कुछ पत्थर उठाता है और आजा की तरफ फेंक कर मारता है फुल स्पीड में। अब ऐसे में ज़मीन फूटने की वजह से जो आजा था वो भी गिरने लगा था, लेकिन वो गिरता उससे पहले जो गाबीमारू ने पत्थर उसे मारा था वो उसकी खोपड़ी से आकर टकराता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लगती है और वो चीखते हुए कहता है, भाई टोमा तुम मेरा वेट करना। अभी तक तामिया दौड़ते हुए मेई के पास आता है, क्योंकि मेई ने बहुत ज़्यादा ताऊ को यूज कर लिया था जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो अपने आप के ही कंट्रोल में नहीं थी, ये वो गिरने जा रही थी। तभी तक तामिया उसे आकर के संभाल लेता है और कहता है, लेडी मेई आपने ये क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तभी तक फूजी वहाँ पर आता है और तामिया से कहता है, अबे तू किस तरीके का इंसान है भाई, उस लड़की को यहाँ पर लग रहा है चोट लगी है, तू उससे सवाल कर रहा है। अब ऐसे में तामिया उससे कहता है, ये पागल है। तभी तक फूजी उससे कहता है, वो पागल नहीं है, तू पागल है। कहते हैं कि आजा की जो बॉडी थी उससे जो अभी ब्लास्ट हुआ था और उसको बहुत सारा नुकसान हुआ था वो अपने आप को रीहील करता है। गाबीमारू भी वापस से अपने आप को हील कर चुका था और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं सुगोन, यूजीरिया, ये सारे लोग एक टेम्पल जैसी कुछ जगह में थे, जहाँ पर सागिरी यूजीरिया से कह रही थी कि ये जगह थोड़ी खतरनाक है, इसी वजह से हमें लगता है कि हमें पीछे वाले दरवाजे से निकलना चाहिए। यूजीरिया कहती है, हमें यहाँ पर काफ़ी वक्त हो गया है और मुझे लगता है अभी तक हमें यहाँ की पूरी जानकारी भी नहीं है। तभी तक सुगोन कहता है, लोग इधर उधर तो देख ही सकते हैं। तभी तक यूजीरिया थी वो कहती है कि अरे यार, इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पर परेशान होते रहेंगे, हमें कहीं तो चलना चाहिए। सागिरी अगेन कहती है कि देखो, मेरे ख्याल से हम लोग बाहर निकलते हैं फिर डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, और हो सकता है तब तक गाबीमारू और लोगों की टीम भी हमें मिल जाए तो हम लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि वो लोग हमें नहीं मिलते हैं तो हमें फिर उन्हें खोजना होगा। जैसे ही यूजीरिया इस चीज़ को सुनती है, सागिरी से कहती है, क्या तुम अभी भी गाबीमारू को खोजना चाहती हो, तुम्हें पता है ना हम यहाँ पर एलेक्जर ढूंढने के लिए आए हैं, और ऐसे में एलेक्जर की वजह तुम गाबीमारू को चूज़ कर रही हो कि उसको हमें खोजना है। मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, सो मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग यदि यहाँ पर हैं और जहाँ तक गाबीमारू की अब उम्मीद है उसको तुम छोड़ ही दो, क्योंकि शायद ही इस जगह पर ज़िंदा बचा होगा, तो मेरे ख्याल से हम लोगों का एक जो टीम है उसको साथ में लेकर के हमें चलना चाहिए और इस जगह को यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्लेनेट के ऊपर, इस जगह के ऊपर मानो हमको एलेक्जर मिलने वाला भी है, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यदि करती है तो उन 10 लोगों ने उसको पहले यूज़ कर लिया होगा। यूजीरिया सागिरी से कहती है कि देखो गाबीमारू, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, हम लोगों की दोस्ती इतनी पुरानी हो चुकी है, हमने एक दूसरे के साथ फाइट की है, एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों भी अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं, सो अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। सागिरी यूजीरिया से कहती है कि वो तो ठीक है तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाबीमारू और सारे लोग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो मैं अपने दोस्तों को इस तरीके से ऐसी मुसीबत में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और मेरा धर्म कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी होगी, सो फिलहाल के लिए हम इस बात को डिसीजन बाद में लेंगे, पहले हम लोग चलते हैं और हमें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। और इसी तरीके से वो लोग फाइनली उस टेंपल से बाहर आते हैं। अब जैसे इधर से वो लोग बाहर आते हैं वो देखते हैं कि बहुत अजीब व गरीब मूर्तियाँ थीं, जिसमें बुद्ध की मूर्ति के ऊपर दूसरी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी, कुछ फूल थे अलग अलग तरीके के, जैसे मानो कोई भयंकर से राक्षस या क्रीचर बने हुए हों। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके
जो सागरी थी वो कहती है जगह बहुत ज़्यादा विचित्र है और सावधान रहना क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। जी रिहा सागरी से कहती है आखिरकार इतना सारा कुछ बनाया किसने होगा, मुझे तो वो जानना है। ये लोग इसी तरीके से बातें कर ही रहे थे तभी होजो एक्टिवेट होता है। उसकी जो बॉडी थी होजो की ग्रूट के जैसे पहले डाउन हो चुकी थी लेकिन अब वो वापस से काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसे देख कर के सुगोन और सारे लोगों को अजीब सा फील हो रहा था लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है ये तो अपना होजो है। सागरी होजो को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ऐसे में वो सारे के सारे लोग होजो ही है या कुछ और उसके अंदर चेंजेस हुए हैं उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर खड़े होते हैं और हमें सीन फिर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं तामिया ने एक हाथ में ओझा को ले रखा और एक गाबी मारू और मेई को लाद करके चले जा रहा था। टोमा और फूजी दोनों लोग उसके साथ चल रहे थे, वो लोग भी अभी इसी टेम्पल के साइड बढ़ रहे थे ताकि वो लोग अपने दोस्तों को खोज सकें और गाबी मारू मेई और इन लोगों के साथ क्या हुआ है उसके बारे में उनका ट्रीटमेंट वगैरह कर सकें। अब जैसे ही ये लोग उस टेम्पल के बाहर पहुँचते हैं तभी तक उन लोगों की नज़र यूजी रिहा सागरी सुगोन इन सारे लोगों पर पड़ जाती है और वो एक दूसरे को देख करके कहते हैं सर फूजी अभी मारू एंड सुगोन आप लोग कहाँ थे, हम लोगों ने आपको बहुत खोजा। सेम रिएक्शन इन लोगों के भी थे। जी रिहा इन लोगों से पूछती है तामिया और बाकी लोगों से कि आखिर गाबी मारू और ओझा को क्या हुआ और तोमा की हालत ऐसे कैसे हो गई। सर फूजी गाबी मारू के साथ में खड़ा हुआ था और सागरी से कहता है कि हमारा तो मैं बताता हूँ लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ और आखिर इस होजो को क्या हुआ है। होजो पहले से अभी बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था और इसी वजह से फूजी को कहीं ना कहीं कुछ डाउट था कि ये इसके साथ क्या हुआ है और यदि इस आइलैंड का कोई असर होजो के ऊपर हुआ है तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। सेम चीज़ तामिया भी होजो को देखते हुए सोच रहा था कि क्या गड़बड़ है। कहता है कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, इस आइलैंड को 1000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं बने हुए लेकिन ऐसी कुछ हरकतें या ऐसी कुछ चीज़ें इससे पहले कभी नोटिस नहीं की गई हैं और मुझे नहीं लगता कि हम सारे लोग मिलकर के भी इतने कैपेबल हैं कि इस आइलैंड को इस तरीके से कुछ चीज़ों को जानकारी लेकर कल्चर को लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हो चुका है। तामिया से कहती है कि हमारा एक अच्छा लक था जिसकी वजह से हम लोग वापस मिले और रहा सवाल इस आइलैंड का सो उसके ऊपर हम ह्यूमंस अब जिस तरीके से पहुंच चुके हैं वो सारा कुछ कंपेयर करने का टाइम नहीं है, जो भी है हम एलेक्जर खोजने के लिए आए हैं और मेरे ख्याल से हम सारे लोग अब दोस्त हैं तो हमें एक साथ में रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्या पता इस आइलैंड पर नया क्या निकल आए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड था समाप्त हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।